फ्रेंड्स, वेलकम टू SDE स्वेटर डिजाइन। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ आपके पास। यार बहुत ही इजी है। ये देखिए, ये मैंने जैकेट बनाना शुरू किया है। ये जैकेट का पीछे का पार्ट है, इसमें मैंने 130 फंदे डाले हैं और एकदम सेट बना है ये डिजाइन। ये देखिए, यहाँ पर 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें पूरा डिजाइन 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। 8-8 फंदे हर एक डिजाइन के लिए हमें चाहिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया। अगर आपको पसंद आए तो मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको इसको मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर हम पहले 3 फंदे, पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन हम सीधी साइड से शुरू करेंगे। उल्टी साइड में हमें उल्टी सिलाई उल्टी कंप्लीट करनी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये 3 फंदे में पहले सीधे बनाऊँगी। ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए, अब 5 फंदे में उल्टे बनाऊंगी। 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 फंदे मैंने सीधे उल्टे बनाए। अब पीछे धागा करके 1, 2 और 3 3 फंदे सीधे, फिर अब 5 फंदे उल्टे, 4 और ये 5। अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे। इस डिजाइन को शुरू करते समय बस यही ध्यान रखना है, 3 फंदे इधर सीधे किए हैं तो यहाँ पर 3 फंदे सीधे आने चाहिए और 3 ही इधर सीधे आने चाहिए। ये पूरा सेट बनेगा। अब मैं उल्टी सिलाई बनाती हूँ। उल्टी सिलाई में हमें ये मैंने फर्स्ट सिलाई 3 और 5 की बना ली और ये सेकंड सिलाई उल्टी बनाई। अब देखिए आगे क्या करना है। 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे किया। इस फंदे को पलट देंगे हम इस प्रकार से और इन दोनों का एक उल्टा फंदा ले लेंगे और एक ये सीधा। इन दोनों का आगे धागा करके इस इनको पीछे की साइड बनाएंगे। ऐसे जाली भी बन जाएगी, फंदा भी कम हो जाएगा और डिजाइन भी शुरू हो जाएगा। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 और ये 3। ये बीच के 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। यहाँ पर 5 फंदे थे, एक फंदा हमारा इधर आ गया, एक फंदा हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। अब पीछे धागा करके अब इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे। एक ये सीधा ले लेंगे और एक ये उल्टा। इन दोनों को हम इस साइड से कम घटाएंगे, दोनों का 1 करेंगे और अब आगे धागा करके यहाँ पर जाली बनाएंगे। फिर दोबारा आगे धागा किया और इस फंदे को ऐसे पलटा और अब पीछे की साइड इसको बना देंगे। एक उल्टा ले लिया और एक हमने सीधा ले लिया। इसको अब हम इस प्रकार से बनाएंगे। फिर आगे धागा करके छोटी छोटी बहुत ही सुंदर डिबियाँ बनेंगी। 3 फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा किया। अब इन दोनों का 1 करेंगे। ये देखिए, फिर आगे धागा किया और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 6 सिलाइयों का डिजाइन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही आसान है। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने नहीं घटाना नहीं बढ़ाना। अब मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ।
ये मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब दूसरी सिलाई देखिए, यहाँ पर अब हमारे इधर तीन फंदे बन गए हैं, यहाँ पर ये चार फंदे सीधे बन गए, तीन पहले थे, एक ये जाली वाला बढ़ गया। अब क्या करना है, हमने तीन फंदे पहले सीधे बनाएंगे, ये जाली आ गई, अब इसी जाली के ऊपर दूसरी जाली डालेंगे, आगे धागा किया, इस फंदे को, ये सीधा फंदा है, इसको पलट देंगे ऐसी, और इन दोनों का पीछे की साइड से इस प्रकार से आगे धागा रखते हुए पीछे की तरफ बनाएंगे, ये दो का एक बन जाएगा, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पीछे धागा किया। अब ये देखिए, इन दोनों का एक उल्टा ले लिया और एक सीधा, दो का या एक बनाया। अब हमारा बीच में यहाँ सिर्फ एक फंदा उल्टा बचा है, आगे धागा करके इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, ये तीनों फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर आगे धागा किया, इस फंदे को पलटा और इस प्रकार से घटा दिया, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाया, फिर पीछे धागा किया। अब इन दोनों को, ये एक उल्टा फंदा है और एक ये सीधा चैन वाला, इन दोनों को इस तरफ से आगे की साइड से हम एक करेंगे, फिर आगे धागा करके इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे। इधर हमारे जाली वाले फंदे बढ़ते चले जाएंगे, ये देखिए, अब यहाँ पहले एक फंदा था बीच में, फिर तीन हो गए, अब पांच बन गए। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड से अब दोबारा देखिए, अब हम हमारी ये आधी डिब्बी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, बीच में हमारी ये पूरी डिब्बी चली है, दोनों साइड आधी आधी डिब्बी बन चुकी है। अब आधी डिब्बी इसको कंप्लीट करने के लिए और यहाँ पर नई डिब्बी शुरू करने के लिए कैसे करें, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो हमने जाली के फंदे ये बढ़ाए हैं, इनको अब हम उल्टा बनाएंगे, ये दो फंदे हम पहले सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ये तीन फंदे जो हैं हमारे, इन तीनों को सीधा बनाएंगे। जैसे हमने शुरू में यहाँ से डिब्बी शुरू की थी, उसी प्रकार से अब हमारी डिब्बी शुरू होगी, तीन फंदे सीधे हो गए। अब इस डिब्बी के बीच के ये पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, दो तीन चार, ये पांच फंदे हमारे डिब्बी के बीच के हैं जो, ये उल्टे बनेंगे। अब यहाँ देखिए, एक ये चैन वाला फंदा सीधा बनेगा, ये बीच में उल्टा फंदा था ये भी सीधा बनेगा, ये सीधा बनेगा, ये चैन वाला है, और यहाँ पर ये दो फंदे हमारे ये बढ़े हुए थे, इन दोनों फंदों को अब हम उल्टा बनाएंगे और पीछे धागा करके दो फंदे सीधे। अब उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई हमारी इसी प्रकार बनेगी।
ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब उसी प्रकार से शुरू करना है जैसे यहाँ पर हमने शुरू किया था। ये देखिए यहाँ पर ये फंदा इसके साथ इधर आएगा, ये फंदा इसके साथ इधर आएगा और बीच में सीधा चलेगा। ये देखिए दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा किया, इस फंदे को इसके साथ घटा देंगे हम इस प्रकार से। इधर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर बदलना पड़ेगा। ये चैन सीधी चलनी चाहिए, इस प्रकार से घटाइए। फिर आगे धागा किया, एक फंदा बनाया, फिर आगे धागा किया, इस फंदे को बदल देंगे इस प्रकार से, और एक फंदा ये उल्टा और एक ये सीधा। अब इस डिब्बी को हम इस प्रकार से बंद करेंगे पीछे की साइड से। यहाँ पर अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर पीछे धागा किया। अब वैसे ही इधर दो का एक करेंगे, फिर आगे धागा किया, फिर ऐसे ही इधर इस फंदे को बदला और इन दोनों का एक करेंगे। एक फंदा यहाँ पर उल्टा आएगा और ये दो फंदे हमारे सीधे चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये चीज़ घटाया था उसी प्रकार से यहाँ भी घटाना है। ये डिब्बी बंद हो जाएगी और यहाँ पर दोनों डिब्बियाँ चालू हो जाएंगी जैसे यहाँ पर ये चालू हुई थी। और इसी प्रकार से बनाते रहिए, बहुत सुंदर डिब्बी बनेगी। ये देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।